कुछ सालों से ये विस्तार के साथ भी जुड़े हुए हैं, तो इसकी वजह से लोगों को नरेंद्र के प्रति बहुत प्रीति है। दूसरी बात है कि नरेंद्र भाई की जो सोच है, ये सोच के मुताबिक भारत का और गुजरात का जिस तरह से डेवलपमेंट हुआ है, वो आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा काम हो रहा है। और ये सरकार भी फिर से उन्हीं की बनने वाली है। दो भाई मिलते हैं, दो भाइयों के बीच में क्या बात होगी? राजनीतिक कोई बात नहीं, नहीं नहीं, राजनीति से मैं तो बहुत दूर हूँ। वोट डालने के बाद पीएम मोदी अहमदाबाद की सड़कों पर निकले। मोदी मोदी के नारों के बीच अहमदाबाद की जनता प्रधान सेवक का इंतजार कर रही थी। कोई पीएम मोदी के स्केच पर ऑटोग्राफ लेना चाह रहा था, तो कोई अपने हाथों पर पीएम मोदी के ऑटोग्राफ के लिए उतावला नजर आ रहा था। पीएम मोदी ने भी किसी को निराश नहीं किया। पीएम मोदी ने छोटी बच्ची से लेकर बड़ों को भी ऑटोग्राफ दिया। ऑटोग्राफ पाने वाले लोगों में से एक बच्ची से रिपब्लिक भारत की टीम ने बात भी की, जिसमें उसने बताया कि वो कितनी खुश है। आम्या, आपने ये तस्वीर दिखाई प्रधानमंत्री को, क्या बोले वो? बहुत ही अच्छी है। बहुत ही अच्छी, और उन्होंने ऑटोग्राफ भी दिया? हाँ। ये आप देख सकते हैं, यहाँ उन्होंने ऑटोग्राफ दिया है। और यहाँ आपका नाम क्या है? नैवेद। नैवेद, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी तस्वीर पर ऑटोग्राफ दिया है, और इन्हें ये भी कहा कि बहुत अच्छी आपने बनाई है। छोटे से राम जी भी बनाए हुए हैं, और एक छोटी बच्ची भी वहाँ पर मौजूद थी, उनके हाथ पे भी ऑटोग्राफ दिया है। ये आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। चाहे देश हो या विदेश, बच्चों के लिए पीएम मोदी का लगाव अलग ही दिखता है। जहाँ बच्चे दिखते हैं, पीएम मोदी दुलार करना नहीं भूलते। वोट डालने के बाद जब पीएम मोदी लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे, उसी दौरान उनकी नजर एक छोटी बच्ची पर पड़ी। फिर क्या था, मोदी जी ने गोद में उठाकर बच्चियों को दुलार करना शुरू कर दिया। के बीच लोकतंत्र की एक और खूबसूरत तस्वीर दिखाई दी, जब पीएम मोदी की नजर भीड़ में खड़ी एक दिव्यांग महिला पर पड़ी, और मोदी बिना देर किए इंतजार कर रही महिला के पास पहुंच गए। भीड़ में पीएम की सुरक्षा भी अहम होती है। जब पीएम दिव्यांग महिला के पास पहुंचे, तो सुरक्षा में लगे कमांडो ने महिला को रोकने की कोशिश की, लेकिन पीएम कमांडो को रोकते हुए काफी देर तक उस महिला से बात करने लगे, फिर आगे बढ़े। माहौल चुनावी है, लेकिन अहमदाबाद में एक महिला ने इसे रक्षाबंधन का त्योहार बना दिया। भीड़ में खड़ी एक महिला ने पीएम मोदी को राखी आगे बढ़ाई, तो पीएम ने खुशी खुशी हाथ आगे बढ़ा दिया। पीएम मोदी की यही खासियत है कि वो वक्त और माहौल को भाप लेते हैं, और लोकतंत्र के इस पर्व के दौरान जब वो वोट डालने पहुंचे, तो ये खूबसूरत तस्वीरें दिखाई दी। इसी के साथ पीएम मोदी ने लोगों से मतदान करने की भी अपील की है। फिलहाल तीसरे चरण में अमित शाह समेत कई मंत्रियों की साख का सवाल है। अभी चार चरणों का मतदान बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मान कर सके, आजादी के आंदोलन में जिन क्रांतिकारियों ने, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपना योगदान दिया था, उनके प्रति श्रद्धा का भाव रख सके, ये अपने आप में एक, इन लोगों से उम्मीद करना ही अपने आप में बेमानी है। रामगोपाल यादव का जो बयान है, ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ साथ इंडी गठबंधन की वास्तविकता को प्रदर्शित करता है, और ये दिखाता है कि न केवल वोट बैंक के लिए ये लोग भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, बल्कि प्रभु श्री राम की ईश्वरीय सत्ता को चुनौती देने का काम कर रहे हैं। और इतिहास गवाह है, जिसने भी ईश्वरीय सत्ता को चुनौती दी है, उसकी दुर्गति हुई है। सर, प्रधानमंत्री जी ने भी एक इंटरव्यू में कहा है कि विपक्ष द्वारा राम मंदिर के फैसले को बदलने की मंशा एक खतरनाक इशू है। देखो, ये लोग तो हमेशा से ही अयोध्या में से राम मंदिर का विरोध करते रहे हैं। कांग्रेस हो, सपा हो, आरजेडी हो, डीएमके हो, ये सभी
नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, ये सभी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, जिनकी भावनाएं हिंदुओं के विरोध में जाती हैं, भारत की आस्था के विरोध में जाती हैं, जिनका चरित्र तुष्टीकरण की नीति को पोषक करने वाला आतंकवाद समर्थक और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के आदर्शों के विपरीत जो लोग सदैव आचरण करते रहे हैं, ऐसे लोगों से इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती है। लेकिन ईश्वरीय सत्ता को चुनौती देने का मतलब विनाशकाली विपरीत बुद्धि, और यही वक्तव्य इन लोगों के आ रहे हैं। इनकी वास्तविक चरित्र को जनता के जनार्दन के सामने ये रख दे रहा है। हमेशा इनका प्रयास था, इंडी गठबंधन से जुड़े हुए जितने लोग हैं, कांग्रेस ने शुरू से प्रयास किया कि अयोध्या में राम मंदिर के मामले में माननीय न्यायालय से फैसला ना आने पाए, करोड़े अटकाते थे, ये स्वयं बैरियर बने हुए थे। इसके बाद जब ये मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में भी गया, तब भी इन्होंने 9 वर्ष 8 7 8 वर्षों तक कुछ भी नहीं होने दिया इसमें। तो बाद में मोदी जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी और फिर प्रक्रिया आगे बढ़ी, फिर राज्य में भी सरकार बनी और फिर इस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाया गया, आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में आज अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण, और देश और दुनिया का कोटि कोटि श्रद्धालु आकर के अपनी श्रद्धा को व्यक्त कर रहा है, एक नई अयोध्या का दर्शन कर पा रहा है। तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस सपा या इंडी गठबंधन से जुड़े हुए लोगों का, जिनका चरित्र ही राम विरोधी है, भारत विरोधी है, आतंकवाद समर्थक है, राम द्रोहियों के साथ लोग खड़े हुए हैं। तो बिल्कुल योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा। हम इस वक्त ग्वालियर में मौजूद हैं और ग्वालियर का ये इंदरगंज चौराहा बूथ की अगर बात करें तो पोलिंग बूथ यहां से तकरीबन 100 मीटर दूर जहां पर इस वक्त वोटिंग हो रही है और मतदाता बढ़ चढ़कर जो है वो पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं, और ये जिस प्रतिष्ठान के सामने हम खड़े हैं वहां पर तमाम लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। दादा, चुनाव को लेकर क्या इस बार मूड है, किस तरफ हवा बह रही है? विकास की तरफ। कौन कौन से मुद्दे ग्वालियर के हैं जो ग्वालियर की जनता दिमाग में रखकर इस बार वोट करने जा रही है? एलिवेटेड रोड है आपका, रोड है, लाइट है, पानी है, बिजली है, मूलभूत समस्याएं जो होती हैं वो, इसके लिए समस्याओं से निजात मिली है ग्वालियर बार? बहुत कुछ मिला है। मिली है निजात सर? सर अभी तो प्रयास चल रहा है, वैसे तो मिलने चाहिए, मैं तो ये कह रहा हूँ। सबसे पहली बात तो रोजगार की बहुत प्रॉब्लम हो रही है, युवाओं के लिए रोजगार की बहुत कमी। ग्वालियर से तस्वीर देख रहे थे आप, जहाँ पे वैभव बता रहे हैं आपको कि लोगों के मन में क्या चल रहा है वोटिंग को लेकर। थर्ड फेज की वोटिंग चल रही है, 11 राज्य है, 93 सीटें, और मेरी मौजूदगी गांधीनगर सीट पर है जहाँ पर हलचल देख रहे हैं आप कि अभी जो लोगों का रुझान है वोटिंग को लेकर वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। वोट कास्ट कर दिया आप लोगों ने? नहीं, बाकी अभी ये थोड़ी सेवा में है तो उसके बाद वोट कर देंगे। अभी सर ने वोट कास्ट कर दिया आपने? आपने वोट कास्ट कर दिया आपने? हाँ, वोट दे दिया। आपने वोट कास्ट कर दिया? कास्ट कर दिया। किस मुद्दे पर वोट किया आप लोगों ने? विकास के मुद्दे पर वोट कर दिया, विकास के मुद्दे पर। विकास के मुद्दे पर तो कांग्रेस भी वोट मांग रही है और बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के भी अपने अपने दावे हैं। क्या लग रहा है आपको, कौन सी पार्टी ने ज्यादा काम किया सीट पर? ज्यादा से ज्यादा काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और सबसे बड़ा भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर का काम किया है, जो हमारी 25 पीढ़ी जिसमें बलिदान दे दिया 25 पीढ़ी ने, और 500 साल पुराना हमारा जो राम लल्ला का महल था वो आज एक बड़ा मंदिर बन के राम लल्ला को बिठाने की जगह मिली, बस वही हमारा बहुत हमें खुशी है, सबसे बड़ा काम वही है। और देश की सुरक्षा देखो तो भी कितनी बड़ी हो गई, पहले हम छोटे छोटे